वारे वाह, पटाखे फूटेंगे भैया। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। तो गाइस, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस, आज है संडे और डे है 9 जून। तो अभी मैं उठ गई, अभी 10 बज रहे हैं। पहले तो मैं सुबह उठी थी जल्दी, फिर सो गई क्योंकि मैं रात को बहुत लेट सोई थी, मैं चिराग भैया, तो इसलिए आँख ही नहीं खुली, इतना सर दर्द रहा था, इसलिए मैं दोबारा सो गई। और मेरी मम्मी क्या कर रहे हो? चाय बना रही हूँ मम्मी, चाय बना रही हूँ मम्मी, चाय। गाइज, आज संडे है तो मैंने कहा मम्मी शैम्पू लगा लूँ। मम्मी ने सख्त मना कर दिया कि शैम्पू नहीं लगाना। मम्मी मुल्तानी मिट्टी और लस्सी लगाओगे आज भी? मेरे बाल इतने सिल्की हो गए ना, मेरे को तेल लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, इतने सिल्की बाल हो जाते। और मैं अच्छी तरह पूरे सर में लगा देंगी, फिर मेरे को फिर मम्मी मेरे फिर बाल धो देगी बाद में। मम्मी अच्छी तरह पूरे बालों में, हर गर्मी में मम्मी ऐसी लगाती है मेरे को मुल्तानी मिट्टी और खट्टी लस्सी। तो मिलते थोड़ी देर बाद। तो देखो गाइस, मम्मी ने लगा दी अच्छी तरह मुल्तानी मिट्टी पूरी मेरे सर पे, और पीछे यहाँ पे गर्दन पे भी मैंने लगवाई है क्योंकि जलन हो रही है मेरे को बहुत ज़्यादा, क्योंकि गर्मी है ना इसलिए फुंसी की वजह से जलन होती है। तो मम्मा थैंक यू। तो मैंने लगा दी और मैं अब नहाते समय अपने हाथ पैरों पर भी लगाऊंगी क्योंकि मुल्तानी मिट्टी बहुत ठंडी होती है। मैं साबुन नहीं लगाती हूँ गर्मियों में, मैं मुल्तानी मिट्टी से धोती हूँ। साबुन मैं हफ्ते में सिर्फ एक ही बार यूज़ करती हूँ क्योंकि साबुन से मेरे को एलर्जी है, मेरे को डॉक्टर ने मना किया है साबुन का यूज़ करने से। तो मैं मुल्तानी मिट्टी से ही धोती हूँ अपना पूरा शरीर वॉश करती हूँ, मतलब चेहरा भी मैं मुल्तानी मिट्टी से ही वॉश करती हूँ ज़्यादातर। तो जब ये सूख जाएगा जब नहाऊँगी तो मिलते हैं नहाने के बाद। तो गाइस, मैं नहा के आ चुकी हूँ और मैंने सर भी धो लिया, और वॉइस का थोड़ा इशू है क्योंकि अंदर सॉन्ग चला रहे हैं, आज संडे है तो भैया मस्त सॉन्ग सुन रहे हैं। और देखो अंदर वो बैठे हैं, अंदर दोनों भाई कूलर के सामने पड़े हुए हैं और बिल्कुल भी आप देख सकते हो वॉइस का बहुत इशू होगा, पर भैया बंद नहीं कर रहे गाने, कहते एक दिन तो मिला उसमें तो। तो गाइस, अभी बज रहे हैं 12 और मैंने अपने बाल भी सीधे कर लिए, देखो कितने सिल्की सिल्की बाल हो गए। और शैम्पू से धोने से तो मम्मी मना करती है गर्मी में क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा रफ हो जाते हैं, और देखो अभी मेरे बाल कितने सिल्की हो गए। और चिराग भी उठ गया है, चिराग आज लेट उठा है, वैसे सुबह जल्दी उठ गया था चिराग 8:30 बजे, फिर चिराग और मैं दोबारा सो गए, फिर मैं 10 बजे उठी और चिराग अभी 11 बजे उठा क्योंकि हम लोग रात को बहुत लेट सोए थे इसलिए। तो मैंने चिराग को आज लेट ही उठाया, तो ये अभी उठा है बस 11 बजे, एक घंटा पहले, और ये अभी वेट कर रहे हैं नहाने का। अभी बड़े भैया नहा रहे हैं, फिर ये नहाएगा। तो चिराग गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड नाइट कह रहा है, गुड मॉर्निंग का तेरी तो गुड नाइट ही चल रही है। तो गाइस मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो गाइस, अभी हम खा रहे खाना, हमारे खाने का वक्त आलू प्याज के पराठे। भाई साहब तो पहले लग गए, मेरा वेट तो कर लेता, वेट नहीं कर रहा। और ये रही दही हमारी और हमारा फेवरेट शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा। चलो फिर गाइस, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। ओके चिराग बोलो, थोड़ी देर बाद मिलेंगे, थोड़ी देर बाद मिलेंगे गाइस, खाना खाने दो बस इसे अभी। तो गाइस, खाना पीना खा लिया मैंने, और पापा जी कर रहे अपनी ड्रेस पे प्रेस क्योंकि पापा को किसी के हाथ की प्रेस पसंद नहीं आती है, मम्मी की तो, और पापा तो सबकी कपड़ों में प्रेस कर रहे, कह रहे आज संडे आज मैं सबके कपड़ों में प्रेस करूँगा। तो सबके कपड़े प्रेस कर रहे क्योंकि पापा को पसंद नहीं आती किसी की करी हुई प्रेस। तो अभी 1 बज गया है और चिराग अभी फ़ोन चला रहे हैं और मैं देख रही हूँ अपना फेवरेट शो। तो मिलते हैं गाइस थोड़ी देर बाद। तो गाइस, अभी बज रहे 4 और भैया आए हैं अभी बाहर से, भैया बाहर गए थे कुछ गाड़ी का काम करवाना था, और मैं ऐसी लेटी हुई थी, मैं सोई नहीं आई। और अभी भैया खाना खाएंगे, भैया ने आज खाना भी नहीं खाया सुबह से, और पापा जी आज लिस्ट बना रहे हैं राशन की। मैं बैठी एक का किलो लिख दें दाल सब मेरे में, मैं भूत लग रहा, कोई बात नहीं। यहाँ ये दोनों गेम खेल रहे, देखो गेम खेल रहे, कौन सी? रियल क्रिकेट। दोनों भाई गेम खेल रहे हैं एक साथ, दोनों गेम खेल रहे हैं, वो आईडी
ले रहा है भैया की, भैया उसकी ले रहे हैं, दोनों एक साथ गेम खेल रहे हैं और पापा जी लिस्ट बना रहे हैं। यहाँ पे मेरा लैपटॉप अपडेट हो रहा है, तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो गाइस अभी बज रहे 5 और भैया आए बाहर से हमारे लिए चाउमीन और स्प्राइट लाके, तो अभी चाउमीन और स्प्राइट इंजॉय करेंगे, तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो ये रही हमारी सिंगापुरी चाउमीन, तो खाते हैं और इंजॉय करते हैं अपनी चाउमीन को। तो गाइस अभी बज रहे हैं 6 और मैंने, आपने देखा था, हमने सबने इंजॉय करी सिंगापुरी चाउमीन और स्प्राइट, और भैया ने खाना खा लिया। भैया ने सुबह से खाना नहीं खाया था, तो भैया ने अब शाम के टाइम ही खाया खाना, तो भैया रात को भी लेट ही खाएंगे। और आज 6:30 बजे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग डे है, क्योंकि आज इंडिया और पाकिस्तान का मैच है, तो आप भी बिल्कुल मत भूलना देखने। तो मम्मी को तो इंटरेस्ट है नहीं, तो पूछते हैं मम्मी आप इंडिया और पाकिस्तान का मैच देखोगे? नहीं देख रहे? इधर इधर तो देखो, देखो तो आपको पसंद है नहीं पसंद है? देख लोगे, आपको पता कैसे चलेगा? वो तो इंग्लिश हो जाएगा, मम्मी कह रही सब पता चल जाएगा। और मेरे को भी आज पता चला कि मम्मी को क्रिकेट में इंटरेस्ट है। मम्मी अपना काम निपटा लो जल्दी से, 6:30 बजे मैच है, तो मम्मी अपना जल्दी जल्दी काम फिनिश कर लिया, फिर सब देखेंगे 6:30 बजे मैच इंडिया पाकिस्तान का। और पापा और भैया भी अपने बाहर के काम निपटाने चले गए, और मैं अभी लैपटॉप में अपडेट कर रही हूँ लैपटॉप को। मैं काम कर रही थी तो आती तुरंत लैपटॉप बंद हो गया, और अपडेट का ऑप्शन, अपडेट का मैसेज आ गया, तो मैंने इसको अपडेट कर दिया। पूरे 1.5 घंटे बाद ही अपडेट हुआ है, तो फिर मैं अपने काम पे लग जाती हूँ, तो मिलते हैं 6:30 बजे। तो गाइस अभी बज रहे हैं 7:10 हो चुके हैं अभी, और अभी तक मैच स्टार्ट नहीं हुआ है। अब इसमें दिखा रहे हैं टाइमिंग की 8 बजे स्टार्ट होगा, भाई ये तो लेट ही लेट बताए जा रहे हैं। और अभी मेरा मम्मी ने बनाया था मैंगो शेक, तो सभी मैंगो शेक पी रहे हैं। अंकित भैया अभी उठे नहीं हैं, वो खाना खा के सो गए थे, क्योंकि आज संडे था और उनको बहुत काम करना पड़ा, सर्विस करवानी पड़ी कार की, तो उनको बिल्कुल नहीं सो पाए, उनको टाइम ही नहीं मिला, तो वो अब सो रहे हैं। अब 8 बजते उठ जाएंगे और रात को लेट सोएंगे, क्योंकि यार एक दिन तो मिलता है, कम से कम एक दिन तो आराम करना ही चाहिए जॉब वाले बंदे को। चिराग इधर आओ, इधर आओ। आप कितने एक्साइटेड हो आज भारत पाकिस्तान मैच? बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि भारत पाकिस्तान का मैच हो रहा है आज, तो ऑफकोर्स इंडिया को ही जिताओगे आप, तो वी आर इंडियन, तो कितनी एक्साइटमेंट हो रही थी आप? 100 out of 1000 है, 100 out of 1000। चलो आप मैंगो शेक पी लो। तो गाइस मेरा मेरा मैंगो शेक, चिराग आप भी पी लो फिर। तो गाइस हम कर रहे हैं मैंगो शेक इंजॉय, और जब मैच स्टार्ट होगा जब आपको बताएंगे, तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो गाइस अभी बज रहे 9 और मैच स्टार्ट नहीं हुआ है। पहले तो उन्होंने बोला 8 बजे, फिर उसमें दिखाया 8:30, और अब 9 भी बज रहे हैं, अब तक मैच स्टार्ट नहीं हुआ, क्योंकि बारिश आ गई थी जहाँ पे मैच चल रहा है, और ग्राउंड अभी भी गीला है, इसलिए मैच स्टार्ट शायद लेट ही होगा। तो पापा वगैरह सब देख रहे हैं, मैं तो इधर आ गई अपने घर पर। मेरी मम्मी जी, मम्मी जी नमस्ते, नमस्ते। खाना खा लिया? मेरे बिना खा लिया? मेरे बिना? मेरे बिना खा लिया खाना? हाँ मम्मी, मैं आपके बिना पानी नहीं पीती, मैं बिना खाना खा लिया। नहीं नहीं, पानी तो पी लिया होगा, ऐसी बात कर रही थी, पानी पी लिया होगा। आपने खा लिया खाना? क्या खाया आपने? तो मम्मी ने खाया दाल चावल, पर फर्क इतना है, मैंने प्याज वाली दाल खानी है, अभी लाई हूँ, और मम्मी बिना प्याज लहसुन की दाल खाती है, तो अभी खाते खाना। देखो आज खाने में क्या है, तो खाने में दाल चावल, और मम्मी तो अपना मेरे बिना खा के बैठ गई है। तो गाइस खाते खाना और मिलते थोड़ी देर बाद। तो गाइस अभी बज रहे हैं 10 और खाना पीना मैंने खा लिया, तो बारी आइसक्रीम की, मम्मी के लिए लाई थी आइसक्रीम, तो एक में से दोनों शेयर करेंगे आइसक्रीम। तो चोको, मेरी फेवरेट आइसक्रीम है चोको क्रंच, तो आइसक्रीम खाते हैं और मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो गाइस एक्सचेंजमेंट हो गई है, मैं इधर आ गई, चिराग चला गया, मम्मी को तो इतना दुख हो रहा है। देखो मम्मी, क्यों इतना दुख हो रहा है आपको? क्यों इतना दुख हो रहा है? गया था, गया। मैंने थोड़ी बोला था उसको, आ जाएगा अपने आप। तो गाइस एक्सचेंज हो गया, चिराग उधर सो गया, कह रहा मैं उधर सोऊंगा और तू चली जा, तो मैं इधर आ गई। मम्मी को तो इतनी ठंड लग रही है इसी में भी, मम्मी खर्चा करके ठंडी आई है, तो ऐसे बैठे अब। तो आज क्या हाल है पापा मैच का?
आज तो बिल्कुल ही मैच में बिल्कुल ही गंदी हालत बन गई इंडिया की। मम्मी आज क्या होगा देखो, हमें तो लगा था नहीं जीत जाएगी। क्या आज तो इंडिया हार के रहेगी? अरे जब इतने सारे सब आउट हो गए प्लेयर हार ही जाएगी, आप क्या क्या मानना है? पीछे भी तो बैठे खेलने वाले, तो आप अभी भी श्योर हो कि जीतेगी? डट के रह रहे भाई, आज पटाखे फोड़ोगे कि जीतने पे? तो अभी तो दो प्लेयर आउट हुए हैं, अभी बाकी बचे हैं और भैया तो कह रहे जीतेगी, पर मम्मी ने तो हार मान ली। मम्मी कह रही हार ही जाएगी। पापा आपका क्या कहना है, जीतेगी? भाई पापा भी कह रहे जीतेगी। भाई कितनी तगड़ी प्लानिंग करी हुई है सबने, जीतेगी 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 जीतेगी, सब यही कह रहे। मम्मी तो हार चुकी है, मम्मी तो कह रही है हार ही जाएगी। देखते गाइस, मैं तो चाहती हूँ जीत जाए वी इंडियन। प्लीज गाइस, प्लीज 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 आप भी प्रे करो कि इंडिया जीत जाए, इंडिया जीत जाए। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो मैंने अपना और मम्मी का बिस्तर लगा दिया है नीचे और मैच चल रहा है। पापा तो देखते देखते सो गए और भैया गए हैं छत पे, तो जब भैया आएंगे तब मिलवाते हैं। तो ये रहे हमारे लड्डू जी, मैं लड्डू जी को भी अभी दूध पिला के सुला देती हूँ, तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो गाइस अभी तो बज रहे 11:30 और मैं तो बोर हो गई इस मैच को देख देख के। मुझे क्रिकेट में सच में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है, मुझे सिर्फ मतलब है जीतने वाले से और हारने वाले से। बस मुझे ये पता चल जाए लास्ट में कि इंडिया जीत गई, मज़ा आ जाएगा। और मुझे बहुत बोरिंग लग रहा है क्रिकेट। भैया को, पापा को, चिराग को, सबको इंटरेस्ट है, मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। मेरा तो मन कर रहा है हटा लूँ, पर हटाते पापा उठ जाएंगे। देख देख के मैं तो बोर हो गई ना। तो मम्मी भी सो गई, पापा भी सो गए, भैया छत पे, चिराग उधर चला गया। बोर हो रही हूँ मैं सच्ची। अब भैया आएंगे तो उनको खाना दूंगी, फिर आज तो मैच का विनर देख के ही सोना है। आज तो देखते कितने बजते हैं। तो गाइस पापा तो सो गए और मम्मी और मैंने प्लान बनाया कि मम्मी भी बोर हो रही थी और मैं भी, तो हमने अपने नाटक लगा लिए भाग्य लक्ष्मी। तो देखो मम्मी, मम्मी आप तो मैच देख रहे थे, क्यों लक्ष्मी लगवा लिया? क्यों, बिल्कुल मजा नहीं आ रहा मैच में? मजा नहीं आ रहा क्या खा रहे हो आज खाने में? देखो इधर क्या खा रहे हो, बुलाया नहीं आपने किसी को खाने पे? सबने खा ली, आपको बड़ा पता है सबने खा ली। तो देखो मम्मी खाना खा रही और हम देख रहे भाग्य लक्ष्मी। तो मिलते थोड़ी देर बाद। तो गाइज अभी बज रहे 1 और इंडिया जीत चुकी है। कितने कितने से जीती है? 6 रन से इंडिया जीत गई। अब तक 8 मैच हो चुके हैं पाकिस्तान के साथ और 7 मैच इंडिया जीत चुकी है, बस 1 मैच हारी है। भैया बता रहे वो भी दुबई में। तो भाई बधाई हो सभी इंडियंस को कि हमारी इंडिया जीत चुकी है, वो भी 7 रन से। और 1 बजे मैच खत्म हुए हैं 6 रन से, कोई बात नहीं, 7-6 कोई दिक्कत नहीं। और अभी 1 बज रहे हैं, मैच 1 बजे ख़त्म हुआ। बताओ मज़ा आ गया, देखो दिखाते हो आपको। वाह रे वाह, पटाखे फूटेंगे भैया। भाई देखो कितना मज़ा आ रहा है, जीत गई इंडिया। बस भैया और मैं जाग रहे, बाकी सब सो चुके हैं घर में। तो गाइस अभी सो रहे हैं भैया और मैं, सब सो चुके थे, बस हम ही दोनों जाग रहे थे। बस एक जीत के लिए जाग रहे थे कि कब जीत जाए और कब हम सेलिब्रेट करें कि भाई जीत गई इंडिया। तो गाइस आज के लिए ब्लॉग को यहीं करते हैं एंड। अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। जल्दी मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। जय श्री श्याम।